हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू लर्न विद दीतिमन। हम लोग कर रहे हैं राजस्थान का इतिहास। फर्स्ट चैप्टर के अंदर हमने 40 क्वेश्चन कर लिए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। गिलुंड सभ्यता में कितने प्रकार के बर्तन मिले हैं? गिलुंड सभ्यता में कितने प्रकार के बर्तन मिले हैं? तो इसका सही उत्तर है 5 प्रकार के। तो वो 5 प्रकार कौन से हैं, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, किस सभ्यता से सादा, काले, पॉलिशदार, भूरे, लाल व काले बर्तन मिले हैं? तो वो कौन सी सभ्यता है जहां 5 प्रकार के बर्तन मिले हैं, सादा, काले, पॉलिशदार, भूरे, लाल और काले बर्तन? तो इसका सही आंसर है गिलुंड सभ्यता। नेक्स्ट है, बागौर सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? तो इसका सही आंसर है बागौर सभ्यता कोठारी नदी के किनारे विकसित हुई। नेक्स्ट है 44 क्वेश्चन, बागौर सभ्यता कहाँ विकसित हुई? बागौर सभ्यता कहाँ विकसित हुई? तो इसका सही उत्तर है भीलवाड़ा जिले में। बागौर सभ्यता भीलवाड़ा जिले में विकसित हुई। अगला है क्वेश्चन नंबर 45, बागौर सभ्यता का खुदाई कार्य किसके निर्देशन में किया गया? बागौर सभ्यता का खुदाई कार्य किसके निर्देशन में किया गया? तो इसका सही आंसर है बीएन मिश्र, डॉक्टर बीएन मिश्र, 1967 से 70 ईस्वी के बीच में। तो क्वेश्चन पूछा जाए कि बागौर सभ्यता का जो खोज करता है वो कौन है, तो डॉक्टर बीएन मिश्र। खुदाई कार्य किसके निर्देशन में किया गया, तब भी आपका उत्तर यही होगा, डॉक्टर वीएन मिश्र। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46, बागौर सभ्यता की खुदाई में लघु पाषाण युग के उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो देखिए, ये एक क्वेश्चन है जब पूछा गया है कि किस सभ्यता की खुदाई में लघु पाषाण युग के उपकरण प्राप्त हुए हैं, तो बागौर सभ्यता ही है जहां से लघु पाषाण युग के उपकरण प्राप्त हुए हैं खुदाई के दौरान। 47 क्वेश्चन, किस सभ्यता की खुदाई में छेद वाली तांबे की सुई मिली है? तो आपने अभी तक, नहीं लगता है कि आप लोगों ने ये पढ़ा होगा कि छेद वाली तांबे की सुई कहाँ से मिली है, तो इसका सही आंसर है बागौर सभ्यता। बागौर सभ्यता से हमें तांबे की सुई मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन 48, गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? गणेश्वर सभ्यता जो है वह किस नदी के किनारे विकसित हुई? तो इसका सही आंसर है कांतली नदी। गणेश्वर सभ्यता जो है वह कांतली नदी के किनारे विकसित हुई। क्वेश्चन नंबर 49, किस सभ्यता को ताम्र संचयी संस्कृति कहा जाता है? या ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस सभ्यता को ताम्र सभ्यता की जननी कहा जाता है? तो सबसे पुरानी, जहां से तांबे के भंडार मिले, तो इसका सही आंसर है गणेश्वर सभ्यता, जो कि कांतली नदी के किनारे विकसित हुई। नेक्स्ट है, नीम का थाना सीकर में किस सभ्यता का विकास हुआ? नीम का थाना सीकर में, तो आंसर वही है गणेश्वर सभ्यता, कांतली नदी के किनारे नीम का थाना सीकर में विकसित हुई। क्वेश्चन 51, गणेश्वर सभ्यता का खुदाई कार्य किसके निर्देशन में हुआ, या गणेश्वर सभ्यता के जो खोजकर्ता हैं वो कौन है? आंसर है आरसी अग्रवाल, रतन चंद्र अग्रवाल। क्वेश्चन नंबर 52, किस सभ्यता की खुदाई में मिले बर्तन कृपश्वर्णी मृद पात्र कहलाते हैं? किस सभ्यता की खुदाई में मिले बर्तन कृपश्वर्णी मृत पात्र या मृत भान कहलाते हैं? आंसर है गणेश्वर सभ्यता। नेक्स्ट है, किस सभ्यता को ताम्र सभ्यता की जननी माना जाता है? तो अभी हमने देखा कि गणेश्वर सभ्यता को ताम्र सभ्यताओं की जननी कहा जाता है, यहीं से प्रारंभ जो है वो माना जाता है ताम्र का। 54 क्वेश्चन, भीनमाल सभ्यता की खुदाई किसने की? भीनमाल सभ्यता की खुदाई किसने की? तो इसके खोजकर्ता हैं वही आरसी अग्रवाल। आरसी अग्रवाल ने ही भीनमाल सभ्यता की खुदाई की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55, किस सभ्यता में खुदाई में एक यूनानी सुराही और रोमन एम्फोरा मिला? तो वो कौन सी सभ्यता है जिसमें खुदाई में एक यूनानी सुराही और रोमन एम्फोरा मिला? तो इसका सही उत्तर है भीनमाल सभ्यता। नेक्स्ट देखिए 56 क्वेश्चन, ईसबाल से लोह उद्योग के साक्ष्य मिले हैं। ईसबाल सभ्यता कहाँ विकसित हुई?
ईसवाल से लोह उद्योग के साक्ष्य मिले हैं। तो ईसवाल सभ्यता जो है वह विकसित हुई उदयपुर जिले में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 57। अशोक के दो स्तंभ अभिलेख भाबरू और बैराट शिलालेख किस सभ्यता से मिले हैं? तो इसका सही आंसर है बैराट सभ्यता। नेक्स्ट देखिए 58 क्वेश्चन। किस सभ्यता से स्वास्तिक चिन्ह तथा त्रिरत्न चक्र चिन्ह के युक्त अलंकृत घड़े की खुदाई के साक्ष्य मिले हैं? ये है बैराट सभ्यता। यहां से हमें स्वास्तिक चिन्ह मिला है, त्रिरत्न चक्र चिन्ह से युक्त एक अलंकृत घड़ा, इसकी खुदाई के साक्ष्य मिलते हैं। किस सभ्यता से बौद्ध मठ के अवशेष मिले हैं? तो ये बैराट सभ्यता, जहां से बौद्ध मठ के अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट है किस सभ्यता का उल्लेख महाभारत में मत्स्य जनपद की राजधानी के रूप में हुआ? तो वो सभ्यता जो है वह है बैराट सभ्यता, जिसका उल्लेख महाभारत में मत्स्य जनपद की राजधानी के रूप में हुआ और जिसकी राजधानी विराट नगर। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से हमें राजस्थान में कितने महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? तो ये क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट है, आपके रीट में आया हुआ क्वेश्चन है और ये है 16 महाजनपद। नेक्स्ट है क्वेश्चन 62। किस सभ्यता से सरसों का एकमात्र उदाहरण मिला है कि वहां से सरसों की खेती जो है वो होती है? तो ये है कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता से ही हमें क्या मिले हैं, खेती के प्रमाण मिले हैं, दो फसल एक साथ उगाने के प्रमाण मिले हैं। क्वेश्चन 63। गणेश्वर सभ्यता में कौन से महत्वपूर्ण साक्ष्य मिलते हैं? गणेश्वर सभ्यता में कौन से महत्वपूर्ण साक्ष्य मिलते हैं? आंसर है देखिए तांबा व मछली पकड़ने का काटा, क्योंकि हमें पता है कि गणेश्वर सभ्यता जो कि ताम्र सभ्यता की जननी कहा जाता है, तो वहां तांबे की वस्तुएं जो मिली हैं उसमें तांबा व मछली पकड़ने का कांटा जो है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और यह महत्वपूर्ण साक्ष्य में गिना जाता है। 64 क्वेश्चन। एकमात्र सभ्यता जिसमें मंदिर के अवशेष भी मिले हैं, तो वो ऐसी सभ्यता बैराट सभ्यता है जहां हमें मंदिर के अवशेष मिले हैं। क्वेश्चन 65। किस सभ्यता की खुदाई से गुरु व शिष्य की मूर्ति प्राप्त हुई है? तो देखिए आप लोगों ने शायद नहीं पढ़ा होगा कि गुरु और शिष्य की मूर्ति जो है वो किस सभ्यता की खुदाई से प्राप्त हुई है। आंसर है इसका रंग महल की सभ्यता। ठीक है, रंग महल की सभ्यता से हमें गुरु और शिष्य की मूर्ति प्राप्त हुई है। क्वेश्चन 66 है। किस सभ्यता की खुदाई से अलंकृत ईंटें मिली हैं? तो वो सभ्यता कौन सी है? तो ये है कालीबंगा सभ्यता, जहां से अलंकृत ईंटें मिली हैं। देखिए आहार सभ्यता जो है जहां से हमें कच्ची ईंटों के प्रमाण मिलते हैं, वहीं पर कालीबंगा सभ्यता जहां हमें पकी हुई धूप में पकाई हुई ईंटों के प्रमाण मिलते हैं, और अलंकृत ईंटें जो है वो हमें यहीं से प्राप्त हुई है, कालीबंगा सभ्यता से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67। राज्य का एकमात्र स्थान जहां से ताम्र युगीन, आर्यकालीन व महाभारतकालीन अवशेष मिले हैं? तो राज्य का वो एकमात्र स्थान जहां से ताम्रयुगीन, आर्यकालीन और महाभारतकालीन अवशेष मिले हैं वह है नोह सभ्यता। तो नोह सभ्यता कहाँ की सभ्यता है, कौन से जिले की सभ्यता है? तो ये नोह सभ्यता जो है वो भरतपुर जिले की सभ्यता है। नेक्स्ट देखिए 68 क्वेश्चन। किस सभ्यता में पांच लोहे की भट्टियां मिली हैं? पांच लोह की भट्टियां मिली हैं वो है बालाथल सभ्यता। ठीक है, बालाथल सभ्यता जो है वह है वहां से हमें पांच लोह की भट्टियां मिली हैं। नेक्स्ट है 69 क्वेश्चन। किस सभ्यता से पशुपालन के अवशेष मिले हैं? तो ऐसी सभ्यता जहां से पशु पशुओं को पालने के अवशेष मिले हैं कि यहाँ पर पशुओं को पाला जाता है, तो ये है बालाथल सभ्यता। अगला देखिए 70 क्वेश्चन। किस सभ्यता को महासतियों का टीला कहा जाता है? तो देखिए आरबीएससी की बुक में ही आपको कितनी इंपॉर्टेंट लाइन मिल रही है जो आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। किस सभ्यता को महासतियों का टीला कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है बागौर सभ्यता। 71 क्वेश्चन है। किस सभ्यता से पक्षी चित्रित ईंटें मिली हैं? किस सभ्यता से पक्षी चित्रित ईंटें मिली हैं? तो उसका सही उत्तर है नोह सभ्यता, भरतपुर की नोह सभ्यता जहां से पक्षी चित्रित ईंटें मिली हैं। नेक्स्ट है किस सभ्यता से पत्थर से बनाए बांध मिले हैं?
वो कौन सी सभ्यता है जहां से पत्थर से बनाए बांध मिले हैं? ये है गणेश्वर सभ्यता। अगला है क्वेश्चन नंबर 73। मरु, धन्व, जांगल, मत्स्य, सूरसेन, इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? तो इसका उल्लेख जो है वो ऋग्वेद में मिलता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74। शमी, कैर, पीलू और ये कंटीली झाड़ियां हैं, ये किस क्षेत्र में उगती है? शमी, कैर, पीलू, ये सभी क्या है? कंटीली झाड़ियां। तो ये किस क्षेत्र में उगती है? ये जंगल प्रदेश में उगती हैं। ठीक है, तो जंगल प्रदेश जो है वो वहां पर शमी, कैर, पीलू और कंटीली झाड़ियां जो है वो मिलती हैं। क्वेश्चन 75। सर्वप्रथम जयपुर और इंद्रगढ़ से पत्थर से बनी पूर्व पाषाण कालीन हस्त कुठार किसने खोज निकाली? सर्वप्रथम, सबसे पहले जयपुर और इंद्रगढ़ से पत्थर से बनी हुई पाषाण कालीन हस्त कुठार जो है वो किसने खोज निकाली? आंसर है सी ए हैंकेट ने। किसने? 1870 ईस्वी में। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा गलत है, 1870 ईस्वी में सी ए हैंकेट ने निकाली थी। सबसे पहले जयपुर और इंद्रगढ़ से पत्थर से बनी हुई पूर्व पाषाण कालीन हस्त कुठार। किसे लोह सामग्री की प्रचुरता के कारण प्राचीन राजस्थान के टाटा नगर की संज्ञा दी गई है? किसे लोह सामग्री की प्रचुरता के कारण प्राचीन राजस्थान के टाटा नगर की संज्ञा दी गई है? इसका आंसर है रेण, जो कि कहां पर है? टोंक जिले में। ठीक है, तो रेण जो टोंक जिले में है वहां से लोह सामग्री जो है वो बहुत ज्यादा मिली है, जिसके कारण उसे राजस्थान का टाटा नगर भी कहा गया है। तो ऐसे क्वेश्चन जो है यदि आपने किसी और बड़ी कोचिंग से किए होंगे तो आपको यहाँ जो क्वेश्चन मिल रहे हैं वो आपको कहीं नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 77। एक साथ दो फसल उगाने के प्रमाण कहाँ मिलते हैं? तो आंसर क्या है इसका? कालीबंगा सभ्यता। किस सभ्यता में मकान कच्ची ईंट व पत्थरों के बने हैं? तो हमें पता है, हमने बात की थी पहले कि कच्ची ईंटों के पत्थरों के बने हुए मकान हमें आहार सभ्यता में मिले हैं। आहार सभ्यता जो कि ग्रामीण सभ्यता है, इससे हमें पता लगाया जा सकता है कि यहाँ कच्ची ईंट और पत्थर के जो मकान मिलते हैं। नेक्स्ट देखिए 79 क्वेश्चन है, मिट्टी के बर्तन किस सभ्यता से मिले हैं? तो जब ग्रामीण सभ्यता है तो आहार सभ्यता के अंतर्गत ही हमें मिट्टी के बर्तन भी मिले। क्वेश्चन नंबर 80। पक्की ईंटों का उपयोग प्रचुर मात्रा में किस सभ्यता से हुआ? तो यहाँ पर पूछा गया है कि पक्की ईंटों का उपयोग बहुत ज्यादा मात्रा में, तो ये प्राप्त हुआ है गिलुंड सभ्यता से। ठीक है, और पक्की ईंटों की जो नालियां हैं, मकान है, वो हमें कालीबंगा से मिले हैं, लेकिन सबसे ज्यादा पक्की ईंटों का प्रयोग जो है वो गलुंड सभ्यता से मिलता है। नेक्स्ट है चित्तौड़ के आसपास का क्षेत्र क्या कहलाता था? चित्तौड़ के आसपास का क्षेत्र क्या कहलाता था? तो इसका सही आंसर है शिवी। चित्तौड़ के आसपास का क्षेत्र जो है वो कहलाता था शिवी। तो ये अंतिम प्रश्न था जो आपका, राजस्थान के जितनी भी सभ्यताएं हैं वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं, और नेक्स्ट वीडियो जो है उसमें हम मिलते हैं इसी चैप्टर के साथ, ऐसे ही क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।